Hello friends, how are you? I hope you are healthy and welcome. So welcome back to your channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Biology mentor. So today I will discuss very interesting and important topic of the 11th NCERT, that is the Animal Kingdom. So I hope you really enjoy this session. So if you like my session, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box and about section of my channel. So please go through about section of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. तो वॉच द वीडियो एंड कीप सपोर्ट. आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में. ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो अबाउट द फाइलम कॉर्डेटा. सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो फर्स्ट वी रीड व्हाट रिटन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. आफ्टर वी एलेबोरेट ईच एंड एवरीथिंग विद सिंपल एंड ईजी मैनर. सो लेट स्टार्ट. तो फाइलम कॉर्डेटा एनिमल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉट. मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में बताया था कि हम कॉर्डेट को नॉन कॉर्डेट से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, कि कॉर्डेट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसको हम कॉर्डेट क्यों बोलते हैं. कॉर्डेट हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि नोटोकॉट होती, जो है ना डॉर्सल साइड में हमारी बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, है ना. तो उसी से हम बताते हैं ये कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है. तो टेस्ट में क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं. तो एनिमल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टरिस्टिक बाई प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड. जो एक नोटोकॉर्ड होती है जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बनती है, है ना, जो कि एक डॉर्सल साइड में बनती है. और हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट, ये जो फीचर्स होते हैं ये हमको बताते हैं कि ये हमारा कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है. यानी क्या क्या फीचर्स बताएंगे, जो हमारी जो होगी नर्व सॉरी नोटोकॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड हो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और जो हमारी होगी उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाएंगे. नोटोकॉर्ड जो बनेगी हमारी डॉर्सल साइड बनेगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बनेगी, है ना, और वो होगी हॉलो होगी, हॉलो नर्व कॉर्ड होगी, है ना. तो हम देखते हैं इसमें, यानी हमको इसमें जो फीचर्स हैं कॉर्डेट के क्या क्या हैं. एनिमल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेट आर फंडामेंटली कैरेक्टरिस्टिक या प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होगा, ए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा, फेरेंजियल गिल स्लिट होंगे, है ना. दे आर बायलैटरल सिमेट्री, यानी जो हमारी कॉर्डेट्स होते हैं ये हमारे बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, क्योंकि हमारी जो बायलैटरल सिमेट्री स्टार्टिंग थी वो प्लेटर हेमिंग थी स्टार्टिंग थी, जो कि हमारी कॉर्डेटा तक चलती है. ये हमारी मोस्ट एडवांस सिमेट्री होती है बायलैटरल सिमेट्री. हम इसको अच्छे से याद कर लेंगे यार, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही इजी है. अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ तो प्लीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए और आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना. ये बायलैटरल सिमेट्री होती हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मैंने आपको बहुत बार बताया, बहुत बार स्टार्टिंग से पोरीफेरा से आपको बताया क्या है एसिमेट्रिकल है क्या है, मतलब डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक बहुत बार बताया मैंने, है ना. ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीन ब्लास्ट लेयर पाई जाएंगी, तीन जर्म लेयर पाई जाएंगी, इक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म पाई जाएगी, है ना. उसके बाद सीलोम, सीलोमेट, सीलोमेट मतलब इसमें टू सीलोम पाई जाएगी, यानी इसमें जो बॉडी वॉल गट वॉल के बीच में स्पेस पाया जाएगा, इसको हम सीलोमेट बोलते हैं. विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा एस्केलेमेंथी से स्टार्ट हो गया. तो पहले हमारा जो था स्पंजेज में था, पोरीफेरा में जो था हमारा टिश्यू सॉरी सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, सेलुलर लेवल था. उसके बाद हमारा सिलेंटेटा ट्यूनोफोरा में आया, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आया. फिर हमारा प्लेटेलमेंथीज में आया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद एस्केलेमेंथी टू हमारा कॉर्डेटा आया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज. हमारे जो ऑर्गन मिलके एक ग्रुप में सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, है ना, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जो कि हमारे गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड में हेल्प करेगा, सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो बहुत सारे सिस्टम्स हमारे, है ना. एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, यानी एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इट्स कॉल्ड एक्सक्रीशन, है ना, उसमें हेल्प करेगा. बहुत सारे सिस्टम हैं तो हम आगे देखते हैं. दे आर बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, सीलोमेट एनिमल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे पोसेस ए पोस्ट एनल टेल, ये पोसेस दे पोसेस पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. इसके पोस्ट एनल टेल होती है, है ना, पोस्ट एनल टेल होती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में पाया जा रहा था, उसके बाद हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया. उसके बाद हमारा कहाँ पर आया हमारा, उसके बाद आया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कॉर्डेट में आया, जो कि मैंने आपको बताया था, आगे चल के बताऊंगा, तो वो यही है, ठीक है.
हमको ये कॉर्डेट का कैरेक्टर दिया, हमको फीचर्स दिया गया है जो इसमें नर्व कॉर्ड, ये हमारी जो ये है हमारी ये नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड यानी हमारी ऊपर बनती है और नोटो कॉर्ड हमारी नीचे बनती है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, नोटो कॉर्ड हमारी डॉर्सल साइड बनती है ना। ये गिल स्लिट, फरेंजियल गिल स्लिट पाए जा रहे हैं इसमें, और इसमें पोस्ट एनल टेल पाई जा रही है। ये चार कैरेक्टर हमारे कॉर्डेट्स के है ना। क्या क्या, नोटो कॉर्ड, नोटो कॉर्ड का पाया जाना, नोटो कॉर्ड डॉर्सल साइड में पाई जाएगी, नर्व कॉर्ड होगी डॉर्सल, हॉलो नर्व कॉर्ड होगी, फरेंजियल गिल स्लिट होंगे, पोस्ट एनल टेल होगी है ना, क्रोनो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलेटरल सिमेट्री होगा, टिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा। ये सारे फीचर्स जो हमारे कॉर्डेट को बताते हैं। ठीक है, प्रेजेंस, प्रेजेंट ए कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, यानी हमको टेबल 4.1 में हमको कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं है ना, कंपैरिजन करा रहा है, तो हम देख लेते हैं, करा रहा है तो कर लेते हैं कंपैरिजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ द कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, हमको लेफ्ट साइड में कॉर्डेट दिया है, राइट साइड में नॉन कॉर्डेट दिया है, तो कॉर्डेट में नोटो कार्ड प्रेजेंट होगी, मैंने आपको पहले बताया था है ना, नोटो कार्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम डॉर्सल साइड पे बनती है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है डॉर्सल साइड में होता है, यानी डॉर्सल साइड में हमारी बैक साइड में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, हॉलो होगा, सिंगल होगा। ठीक है, याद रखेंगे हॉलो होगा, सिंगल होगा, और जो हमारा इसमें जो फेरिंग्स जो परफोरेटेड होंगे, परफोरेटेड बाई गिल स्लिट, इसके जो फेरिंग्स होंगे परफोरेटेड बाई गिल स्लिट के द्वारा परफोरेटेड होंगे। हार्ट इज वेंट्रल, और जो इनका जो हार्ट होगा हमारा वेंट्रल होगा, कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है वेंट्रल मतलब हमारा उधर, मतलब वेंट्रल साइड सामने की तरफ छाती की तरफ, इधर ही हमारा हार्ट होता है। ठीक है, कॉर्डेट्स का पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल पार्ट मतलब जो हमारी हम वर्टिब्रा के लास्ट में देखते हैं, पोस्ट एनल लास्ट में देखते हैं, छोटी सी हमारी टेल टाइप की होती है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल। कभी हम अपने बैक साइड पे बिल्कुल लास्ट में टच करेंगे तो हमको ऐसे एक टेल की तरीके फील होता है ना, तो हमारे उसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। ठीक है, और जो हमको नॉन कॉर्डेट के कैरेक्टर क्या दिए हैं, नॉन कॉर्डेट में हमारा जो होगा नोटो कॉर्ड नहीं होगा तो उसको हम नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, बट हमारे कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो डॉर्सल साइड था, बट हमारे नॉन कॉर्डेट में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो वेंट्रल साइड होगा है ना। और कॉर्डेट में हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो था, तो यहाँ पे हॉलो की जगह क्या होगा, सॉलिड होगा, और यहाँ पे सिंगल था, सिंगल की जगह ये डुअल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन कॉर्डेट का। यानी नॉन कॉर्डेट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड होता है, सॉलिड होता है और डुअल होता है। ठीक है, इसमें जो गिल स्लिट होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, यानी गिल स्लिट की अब्सेंट होंगे है ना, गिल स्लिट जो होंगे वो अब्सेंट होंगे। हार्ट इज डॉर्सल, अगर हार्ट प्रेजेंट है नॉन कॉर्डेट्स में, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड होगा, यानी कॉर्डेट्स में तो होता है हार्ट वेंट्रल साइड होता है ना। अगर नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट है, ज़रूरी नहीं कि हार्ट प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड होगा, यानी पीठ के साइड होगा, यानी बैक साइड होगा। और पोस्ट एनल टेल अब्सेंट, यानी उसमें पोस्ट एनल टेल जो होती है वो अब्सेंट होती है, पोस्ट एनल टेल हमारी जो नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट होती है। तो हम देख लेते हैं, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइलम, जो फाइलम कॉर्डेटा था हमारा उसको तीन फाइलम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से तीन फाइलम है हमारे, यूरो कॉर्डेटा मतलब हमारे पहले प्रिमिटिव कॉर्डेटा, जो पहले कॉर्डेट्स थे हमारे उनको यूरो कॉर्डेटा बोलते थे, और यूरो कॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं, यूरो कॉर्डेटा को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा है ना, यूरो कॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं। और उसके बाद बनते हैं सिफेलो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा के बाद आता है वर्टिब्रेटा, यानी यूरो कॉर्डेटा के तीन सब फाइलम थे, सब फाइलम थे यूरो कॉर्डेटा को हम बोलते थे ट्यूनिकेटा है ना, उसके बाद हमारा सिफेलो कॉर्डेटा है ना, और उसके बाद हमारा वर्टिब्रेटा है ना, जिसमें वर्टिब्रा कॉलम पाई जाएगी तो उसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। सब फाइलम यूरो कॉर्डेटा एंड सिफेलो कॉर्डेटा आर ऑप्टन रिफर टू एज ए प्रोटो कॉर्डेटा, मतलब जो हमारा सब फाइलम होता है यूरो कॉर्डेटा एंड सिफेलो कॉर्डेटा है तो उसको हम पहले क्या बोलते थे, ऑफन रिफर एज प्रोटो कॉर्डेटा, प्रोटो मतलब अग्रिम कॉर्डेटा, मतलब जो पहले कॉर्डेटा थे, प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेटा थे उसको हम प्रोटो कॉर्डेटा बोलते हैं।
एंड आर एक्सक्लूसिवली मराइन, जो केवल मराइन होते थे, जो हमारे प्रोटोकार्डेट थे वो हमारे एक्सक्लूसिवली मराइन थे, यानी केवल सिर्फ वो मराइन ही थे, ठीक है, केवल मराइन फॉर्म में रहते थे वो, ठीक है। इन यूरोकॉर्डेटा, जो यूरोकॉर्डेटा था हमारा, उनमें जो नोटोकार्ड पाई जा रही थी, जो नोटोकार्ड हमारी डॉर्सल साइड पाई जा रही थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बन रही थी, वो हमारी सिर्फ ओनली लार्वल टेल, जो हमारी सिर्फ लार्वल टेल थी उसी में ही पाई जा रही थी। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकार्ड पाई जा रही थी ओनली सिर्फ लार्वल टेल में ही पाई जा रही थी, वाइल सिफेलोकॉर्डेटा, है ना, यानी यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकार्ड पाई जा रही थी वो सिर्फ लार्वा में पाई जा रही थी, एडल्ट में नहीं पाई जा रही थी, नोटोकार्ड एडल्ट में अब्सेंट थी इन यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। बट जो सिफेलोकॉर्डेटा थे तो वो हेड टू टेल, मतलब सर से लगा के पूंछ तक, टेल तक, सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकार्ड पाई जा रही थी परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना, मतलब वो उनकी पूरी लाइफ, सिफेलोकॉर्डेट की पूरी लाइफ में वो, चाहे वो लार्वल स्टेज हो या एडल्ट स्टेज हो, जो हमारी नोटोकार्ड पाई जा रही थी वो हमारी सिफेलोकॉर्ड में हेड टू टेल लीजन में पूरी लाइफ पाई जा रही थी। बट यूरोकॉर्डेट में जो हमारी नोटोकार्ड पाई जा रही थी ओनली लार्वा में पाई जा रही थी, लार्वा स्टेज में ही हमारी नोटोकार्ड पाई जा रही थी यूरोकॉर्डेट के केस में। बट सिफेलोकॉर्डेट के केस में नोटोकार्ड जो पाई जा रही थी वो हमारी लार्वा टू एडल्ट पाई जा रही थी पूरी लाइफ, ठीक है। इसके जो एग्जांपल थे हमारे यूरोकॉर्डेट के एग्जांपल, क्या क्या हमको दिया गया है यहाँ पे, हमको दिया गया है एस्किडिया, सल्पा, है और डोलियोलम, तीन हमको यूरोकॉर्डेट के एग्जांपल दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं यूरोकॉर्डेट के एग्जांपल के, एस्किडा, सल्पा, डोलियोलम, तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक बनाई है। इसके लिए हम देख लेते हैं यूरोकॉर्डेटा की जो याद करने के लिए हम एक सिंपल ट्रिक बना लेते हैं। यू सैड, भाई तुम सैड क्यों हो, आप सैड क्यों हो, यू से मतलब यूरोकॉर्डेटा, यस से मतलब सल्पा, यस यू से मतलब यूरोकॉर्डेटा, यस से मतलब सल्पा, ए से मतलब एस्किडा, है ना, डी से मतलब डोलियोलम, ठीक है। यू सेट का मतलब हो गया यूरोकॉर्डेटा की ट्रिक हो गई, ए से मतलब हो गया एस्किडा, यस से मतलब हो गया सल्पा, डी से मतलब हो गया डोलियोलम। डोलियोलम को और हम बोलते हैं, डोलियोलम को और हम नाम से जानते हैं, डोलियोलम जो होता है हमारा उसको हम और नाम से जानते हैं, डोलियोलम को हम हार्डमानिया भी बोलते हैं, डोलियोलम को हम हार्डमानिया बोलते हैं, हार्डमानिया बोलते हैं, हार्डमानिया को हम सी पोटैटो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी पोटैटो, समुद्री आलू, ठीक है, सी पोटैटो बोलते हैं। तो हमने याद कर लिया यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल विथ ट्रिक से, यू सैड, ठीक है, आप सैड क्यों हैं भाई, तो यानी यूरोकॉर्डेटा, यानी यस से सल्पा को हम डोलियोलम बोलते हैं, है ना, सल्पा के बाद हमारा एस्किडा आ गया, एस्किडा के बाद हमारा आ गया डोलियोलम, डोलियोलम को हार्डमानिया बोलते हैं, हार्डमानिया को हम सी पोटैटो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल हमको क्या दिए गए हैं, सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल हम देख लेते हैं, ब्रोंकियोस्टोमा, सिफेलोकॉर्डेटा का एक ही एग्जांपल दिया गया हमको, ब्रोंकियोस्टोमा में एम्फियोसक्स और लैंसलेट, जो ब्रोंकियोस्टोमा को हम एम्फियोसक्स और लैंसलेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमको एग्जांपल दिया है, एस्किडा को एग्जांपल दिया गया है ना, एस्किडा का एग्जांपल दिया गया, इसमें यूरोकॉर्डेट की जो बॉडी होती है वो पर्स लाइक बॉडी होती है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं पर्स लाइक ऑर्गेनिज्म या बॉडी पूछ लेते हैं हमसे कि किसकी है, तो हम यूरोकॉर्डेट को बोलेंगे पर्स लाइक बॉडी, ठीक है। सो द मेम्बर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जो मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा प्रोसेस नोटोकार्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो हमारे सब फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर थे, यानी हमने देख लिया यूरोकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा में जो था हमारा नोटोकार्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में पाई जा रही थी, एडल्ट स्टेज में नहीं पाई जा रही थी, बट जो सिफेलोकॉर्ड में थी उसमें जो नोटोकार्ड पाई जा रही थी वो थ्रू अब लाइव पाई जा रही थी, लार्वा स्टेज हो या फिर वो एडल्ट स्टेज हो। अब जो हमारे वर्टिब्रेटा हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा हमारे हैं, तो उसमें क्या है, जो नोटोकार्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, है ना,
जो मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी जो वर्टिब्रेटा के मेंबर है वो नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान इनमें होती है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाई ए कार्टिलेजिनस। नोटोकॉर्ड जो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम होती है, और वो फिर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस, मतलब वो कार्टिलेज से बना हुआ है ना, जो बोन से सॉफ्ट होता है। कार्टिलेज जो होता है हमारा पैलिएबल होता है ना, कॉन्ट्रिन साल्ट से बनता है, कॉन्ट्रिन से बनता है, कॉन्ट्रिन है ना, तो ये पैलिएबल होता है, मतलब वो लचीला होता है, इसको मोड़ सकते हैं, ला सकते हैं थोड़ा, है ना। और बोनी, वो जब बोनी होगा तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना देगा, है ना। नोटोकॉर्ड हमारा रिप्लेस हो जाता है, कार्टिलेजिनस हो जाएगा, या बोनी हो जाएगा तो हमारा बोनी होगा तो वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। इन एडल्ट, जब हमारे एडल्ट होते हैं तो हमारा वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, ये हमारी लाइन जो है स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आती है। दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, मतलब सारे वर्टिब्रेट जो हैं वो कॉर्डेट हैं, बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ये हम याद रखेंगे। दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन में आता है, तो हम इसको इंपॉर्टेंट मानेंगे। जैसे हमारे ऑल आर्थ्रोपोड आर इंसेक्ट, है ना, ऑल आर्थ्रोपोड आर इंसेक्ट बट ऑल इंसेक्ट आर नॉट आर्थ्रोपोड, मतलब सारे आर्थ्रोपोड इंसेक्ट हैं बट हमारे सभी इंसेक्ट आर्थ्रोपोड नहीं है। उसी तरह हमारे ये क्या है, जो सारे ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, मतलब सारे वर्टिब्रेट जो हैं वो कॉर्डेट हैं बट सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हैं, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में बहुत आते हैं। बिसाइड बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट हैव ए वेंट्रल मस्कुलर आर्ट, मतलब ये कुछ कैरेक्टर कॉर्डेट्स के वर्टिब्रेट में क्या होते हैं, वेंट्रल में मस्कुलर हार्ट होगा, जो हार्ट होगा हमारा वर्टिब्रेट में टू चैम्बर हो सकता है, थ्री चैम्बर हो सकता है, और हमारा फोर चैम्बर हो सकता है। टू चैम्बर हमारा हार्ट जो होता है किसमें पाया जाता है, फिशेज में पाया जाता है, थ्री चैम्बर, फोर चैम्बर हार्ट हमारा, थ्री चैम्बर हार्ट एम्फीबियंस में पाया जाता है, ठीक है। जो हमारा थ्री चैम्बर हार्ट होता है हमारा, टू चैम्बर हार्ट तो हमारा फिश में पाया जाता है, जो हमारा टू चैम्बर हार्ट है हमारा, टू चैम्बर हार्ट हमारा वो फिश में पाया जाता है, और थ्री चैम्बर हार्ट है हमारा वो एम्फीबिया और रेप्टाइल में पाया जाता है ना। और हमारा एक क्रोकोडाइल होता है वो एक्सेप्शन होता है, उसमें फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, और है ना, और फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। फिर हमारा किडनी फॉर एक्सक्रीशन, किडनी हमारी जो होती है वो एक्सक्रीशन का काम करती है एंड ऑस्मोरेगुलेशन, मैंने आपको बताया था, जो एक्सक्रीशन का काम करेगा वो ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम करेगा, जो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करेगा वो एक्सक्रीशन का भी काम करेगा। एंड ए पेयर अपेंडिजेज विच मे बी फिन्स और लिम्स, और हमारे पेयर अपेंडिजेज जो होते हैं, पेयर अपेंडिजेज में मतलब वो पंख भी हो सकते हैं, फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्फ हो सकते हैं, यानी हमारे वो हाथ पैर हो सकते हैं, है ना। जो हमारे इसमें द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो, मतलब सब फाइलम वर्टिब्रेटा था हमारा वो डिवाइडेड हुआ है, ये वर्टिब्रेटा इसका डिवीजन हुआ है ना, इसको टू में डिवाइड किया गया, एक एनाटोमीट, एक नेथा मतलब लैक जॉ जिसमें जॉ नहीं था, जबड़ा नहीं था, है ना, और ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा मतलब जॉ बियर्स, मतलब जिसमें जॉ था, मतलब इसमें जबड़ा पाया जा रहा था, ठीक है। एक नेथा मतलब ए मतलब एब्सेंट, ग्नेथा मतलब जॉ, ठीक है, एक नेथोस्टोमेट, एक नेथा में मतलब जॉ एब्सेंट होगा। तो इसकी जो वर्टिब्रेटा का डिवीजन हुआ तो हमारे ग्नेथो, ग्नेथा और एक नेथोस्टोमेटा हुए, ठीक है। जब फिर एक नेथा का जो क्लास हुई, इसको क्लास में डिवाइड किया गया तो साइक्लोस्टोमेटा, है ना, साइक्लोस्टोमेटा आया। साइक्लो मतलब सर्कुलर, है ना, सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब माउथ, यानी इसमें होगी जो भी होगा सर्कुलर माउथ होगा उसका, ठीक है। जो ग्नेथोस्टोमेटा होते हैं बियर्स जॉ, मतलब इसमें जॉ होगा मतलब जबड़ा होगा, इसकी जो सुपर क्लास, इसको सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। हमको ये फिलिंग्स ब्लैंक्स में दे देता है, हमको ये पूरा चार्ट बना के दे देगा, यहाँ पे कौन सा है कि क्लास कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ इसको इरेज कर देगा, यहाँ पे क्लास नहीं होगा तो इसको हमको क्लास फिल करना होगा सही से, है ना। यहाँ पे अब ग्नेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास नहीं देगा, यहाँ पे और कुछ दे देगा तो उसको हमको सही से फिल करना होता है ना, ऐसे होते हैं। और जैसे अब जो हमारी सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा को हम टू टाइप में फिर डिवाइड करते हैं, पीसेस में, पीसेस यानी मछली, है ना, मत्स्य वर्ग, इसको बोलते हैं मत्स्य वर्ग, है ना, पीसेस जिसमें जो हमारी फिंस, सॉरी फिश होती हैं, उसमें फिंस होते हैं, है ना, जिसको फिर हम क्लास में डिवाइड करते हैं, इसको कॉन्डको
साइज मतलब कॉटिलेजिनस फिशेज और ऑस्टियोसाइज मतलब बोनी फिशेज है ना। और जो इसमें टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार होते हैं, टेट्रापोडा मतलब जिसमें लिम्स होंगे चार पैर वाले है ना। तो इसकी हम क्लास में डिवाइड करते हैं, तो इसकी क्लास जो होती है एम्फीबिया, एम्फीबिया होते हैं हमारे, इसमें हम फ्रॉग को रखते हैं, रेप्टाइल होते हैं हमारे है ना, एफ्स होते हैं, एफ्स मतलब जिसको हम बर्ड बोलते हैं, और जो मेमल्स होते हैं हमारे वो मेमल्स होते हैं हमारे, एप मंकी, प्राइमेट वगैरह, मेमल्स वगैरह, ये हम सब आगे चल के देखेंगे है ना इंटरेस्टिंग मैनर में। हम देख लेते हैं जो हमारी एक नेथोस्टोमेटा का था, एक नेथा का जो था लैग जॉ वाला, इसकी क्लास जो थी साइक्लोस्टोमेटा था जिसका सर्कुलर माउथ था, इसमें हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे देखते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब माउथ, ठीक है। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर इक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स होते हैं वो इक्टोपैरासाइट होते हैं, इक्टो का मतलब होता है बाहर, मतलब किसी की बॉडी के बाहर, वो बॉडी के बाहर रहेंगे, इक्टोपैरासाइट ऑफ सम फिशेस, सम फिशेस पे इक्टोपैरासाइट होते हैं मतलब उसके बाहर रहते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड मतलब नुकीली, सॉरी इलोंगेटेड का मतलब लंबी लंबी बॉडी, ठीक है। एंड बियर सिक्स, एंड बॉडी बियर सिक्स टू 15 पेयर गिल स्लिट, ये इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोस्टोमेटा में गिल स्लिट कितने पेयर पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, क्योंकि वो कभी कभी बच्चे का नॉलेज देखता है कि वो किस तरीके से एनसीईआरटी को उसने रीड किया है, ऐसे रीड किया है कि ऐसे नॉर्मली ऐसे रीड कर लिया है, इतने अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा में जो होते हैं गिल स्लिट पाए जाते हैं वो 6 से 6 से 15 पेयर पाए जाते हैं, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं। गिल स्लिट का काम होता है वो हमारे रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हमारे गिल स्लिट हेल्प करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, मैंने आपको बताया था साइक्लो का मतलब होता है राउंडेड और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, तो साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं उनमें सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जा, मतलब उनमें एक नेथा स्टोमेटा की कैटेगरी में थी तो मतलब उसमें जा तो होगा नहीं, और वो साइक्लोस्टोमेटा थी, साइक्लोस्टोमेटा मतलब साइक्लो मतलब राउंड और स्टोमेटा मतलब माउथ, यानी इसमें जा नहीं होगा, सर्कुलर माउथ होगा, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स, इनकी जो बॉडी डिवाइड का मतलब होता है ना पाया जाना, डिवाइड का मतलब होता है अब्सेंट, अब्सेंट डिवाइड का मतलब होता है अब्सेंट, मतलब वो चीज़ नहीं पाई जा रही है, इसमें स्केल्स, इसमें स्केल्स नहीं होते हैं, डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन्स, और इसके पेयर फिन्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें स्केल्स और पेयर फिन्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, जो इनमें क्रेनियम होता है, यानी क्रेनियम जो होता है हमारा ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं, ब्रेन जो हमारा ब्रेन होता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, तो उसके अंदर ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम बोलते हैं, वो हमारे कॉटिलेजिनस होता है, क्योंकि क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो कॉटिलेजिनस होते हैं, ठीक है, मतलब कॉटिलेज का बना होगा है ना, कॉन्ट्रेन का बना होगा, कॉन्ट्रेन कॉटिलेज जो होता है हमारा कॉन्ट्रेन से बनता है, जो कि पैलिएबल होता है, मतलब वो उसको लचीला होता है थोड़ा, उसको हम लचा सकते हैं, बट जो हमारा बोन्स होता है वो हमारी हार्ड हो जाती हैं है ना, हार्ड होती हैं, ऑस्टिन की बनती है हमारी, आगे चल के हम पढ़ेंगे है ना। जिसमें हमारा होता है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, इनमें जो हमारा होता है साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलेशन जो होता है हमारा क्लोज टाइप होता है, क्योंकि ये कॉर्डेट्स में है, कॉर्डेट्स में तो सर्कुलेशन क्लोज टाइप था ही भाई, तो इसमें नई बात कोई थोड़ी ना है। साइक्लोस्टोमेट आर मैराइन, ये साइक्लोस्टोमेट होते हैं जो मराइन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, साइक्लोस्टोमेट आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग, मतलब अपने अंडे को माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग फॉर, इसमें क्या है, साइक्लोस्टोमेटा और मराइन, साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं मराइन होते हैं, बट ये माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग टू फ्रेश वाटर, मतलब ये अपने बच्चे को पालने वालने के लिए ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। आफ्टर स्वैम्पिंग, मतलब जब इनका बच्चा मतलब पल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये विद इन फ्यू डे डे डाई, ये कुछ दिन में मर जाते हैं। देयर लार्वर, इनका जो लार्वा होता है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस है ना, मेटामॉर्फोसिस करेगा अपने, चेंजेज होंगे इसमें, मेटामॉर्फोसिस चेंज होगा और वो ओशियन में फिर और वापस आ जाता है। तो आपको मैं एक बेसिक बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो माइग्रेशन होता है टू टाइप का होता है, एनाड्रोमस
एनाड्रोमा जो माइग्रेशन होता है, मतलब कोई चीज, एना मतलब ए आ रहा है, ये मतलब अच्छी चीज, कोई खराब चीज अच्छी चीज में जा रही है। जो मराइन वाटर होता है वो तो साल्टी होता है, वो किसी मतलब का नहीं है यार, ठीक है। जो फ्रेश वाटर होता है वो अच्छा होता है ना। तो हमारी मराइन टू फ्रेश अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसमें एनाड्रोमस होगा, तो इस माइग्रेशन को हम एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलेंगे, है ना। और जो कोई चीज़ हमारी फ्रेश वाटर टू मराइन जा रही है, कोई फ्रेश वाटर टू मराइन जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे अच्छे से ख़राब जा रही है। अगर हमारी कोई चीज़ अच्छे से ख़राब जा रही है यानी फ्रेश वाटर टू मराइन जा रही है, तो हम इसको बोलेंगे कैटाड्रोमस माइग्रेशन, है ना। ये टू टाइप का माइग्रेशन होता है, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस माइग्रेशन। जो हमारी यहाँ पे जो हमारा साइक्लोस्टोमेट जो हमारी माइग्रेशन शो करती है वो हमारा होता है, जो साइक्लोस्टोमेट माइग्रेशन शो करती है वो हमारा होता है। ये कहाँ से जाती है हमारी, ये मराइन होती बट माइग्रेट फॉर सम्पिंग फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर में जाती है, यानी एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है। ये आप पॉइंट लिख लेंगे, ये एनसीईआरटी में नहीं, आपसे क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। जो आफ्टर स्वैम्पिंग, जब इसकी स्वैम्पिंग हो जाती है ना, तो इसका जो लार्वा होता है मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये फिर अपना रिटर्न हो जाता है इसमें मराइन वाटर में, है ना। उसके बाद अब हम देखेंगे, इसका एग्जांपल दिया गया हमको, एग्जांपल दिया गया पेट्रोमाइजोन, इसके एग्जांपल है हमारे, एग्जांपल दिया गया हमसे पूछते हैं इसमें कि मेटामॉर्फोसिस होती है, उसके बाद क्वेश्चन घुमा सकते हैं, ऐसे बोल देगा कि हमारा जो एनाड्रोमस माइग्रेशन कौन करता है ना, और आफ्टर स्वैम्पिंग कुछ दिन बाद जो हमारा होता है वो मर जाती है, और या फिर हमारी उसके जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशियन में वापस जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई टाइप से बना सकते हैं एग्जामिनर। तो इसके एग्जाम्पल जो हमारे हैं पेट्रोमाइजन, है ना, पेट्रोमाइजन को हम लैम्प्रे बोलते हैं और मैगजीन को हम हैगफिश बोलते हैं। तो इसके लिए हमने ट्रिक बताई है आपको, ट्रिक पेट्रोल, ठीक है, यानी पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल मतलब पी से पेट्रोमाइजोन, है ना। अब ये किसका है भाई, अब हमको याद, तो पेट्रोमाइजोन का दूसरा नाम क्या होगा, तो यल यानी लैम्प्रे, ठीक है, अच्छा है, याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। मैगजीन को होते हैं हैगफिश, मैगजीन को बोलते हैं हैगफिश। जब एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हम चार ऑप्शन में एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट करके उसको हटा देंगे, जो हमारा करेक्ट होगा उसको हम टिक कर देंगे और अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। ऐसे हम बेसिक तरीके से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमको क्लियर हो जाता है, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको समझें। अब जो हमको इसमें एग्जांपल दिया गया है, अब हमको जो एग्जांपल दिया गया है इसमें जॉलेस वर्टिब्रेट का एग्जांपल दिया गया है, पेट्रोमाइजोन का ये एग्जांपल है ना, पेट्रोमाइजोन का ये एग्जांपल है। ये जो हमारे ये फिन्स दिए गए हैं, ये हमारे डॉर्सल फिन्स हैं, और इनको हम कॉडल बोलते हैं, कॉडल फिन्स बोलते हैं, है ना। ये हमारी जो होती हैं सेंगीबोरस होती हैं, सेंगीबोरस मतलब खून चूसती हैं। ये हमारी खून चूसती हैं, इसको हम सेंगीबोरस बोलते हैं। एक्टोपैरासाइट होती हैं, है ना जी। अब हम देखते हैं सेकेंड क्लास जो होती है हमारी कॉन्ड्रिस्टिस, मतलब हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में बात होगी हमारी, है ना, कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में बात होगी। ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं हमारे, ये मैरान एनिमल होते हैं एंड स्ट्रीम लाइन बॉडी, मतलब इनकी जो धारावाही बॉडी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, और इनका जो कार्टिलेजिनस का एंडोस्केलेटन बना होता है, फिगर 4.19 में हमको दिया गया है। अब माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, जो हम इनका जो माउथ होता है हमारा वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, माउथ हमारा जो होता है वेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी हमारा वेंट्रल यानी नीचे की तरफ वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू लाइफ, इनमें जो नोटोकार्ड होगी थ्रू लाइफ, पूरी लाइफ में नोटोकार्ड इनमें पाई जाएगी, पूरी लाइफ में नोटोकार्ड पाई जाएगी। गिल स्लिट आर सेपरेटेड
एंड विदाउट अपरकुलम, इनमें गिल स्लिट होते हैं, गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, और विदाउट अपरकुलम, अपरकुलम यानी गिल स्लिट की कवरिंग को हम अपरकुलम बोलते हैं, जो कि हमारी इसमें नहीं पाई जाएगी, अपरकुलम नहीं पाया जाएगा, यानी कार्टिलेजनस पित्तों में हमारे अपरकुलम नहीं पाया जाएगा, ठीक है। द स्किन इज टफ, इनकी जो स्किन होगी वो कड़ी होगी, है ना, टफ होगी, एंड कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, इनमें कार्टिलेजनस पीसेज में हमारे कौन से स्क्विल पाए जाते हैं, प्लेकॉइड स्क्विल पाए जाते हैं, इनमें विदाउट अपरकुलम होंगे, है ना, गिल स्लिट होंगे, बट वो अपरकुलम उसमें कवरिंग नहीं होगी। नोटोकार्ड जो होगा इसका, ये पूरी लाइफ इनमें पाया जाएगा, और माउथ जो होगा हमारा वो वेंट्रली लोकेटेड होगा, ठीक है, कार्टिलेजनस पीसेज में। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड, जो हमारे टीथ होते हैं, इनके जो टीथ होंगे वो कार्टिलेजनस पीसेज के जो टीथ होंगे वो प्लेकॉइड स्केल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, विच इज बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो कि बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्टेड का मतलब जो इनके टीथ होंगे वो ऐसे पीछे को मुड़े होंगे, बैकवर्डली डायरेक्टेड को होंगे, ठीक है। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, इनके जो जॉ होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, है ना, जॉ वेरी पावरफुल, दीज एनिमल आर प्रेडेसियस, मतलब ये एनिमल होते हैं प्रेडेसियस हो सकते हैं, प्रेडेसियस होते हैं, ठीक है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर, इनमें एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता है, एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता है, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इनमें एयर ब्लेडर जो होता है हमारा, जो एयर ब्लेडर होता है, एयर ब्लेडर जो होता है हमारा, एयर ब्लेडर होता है हमारा, वो प्रोवाइड कराता है हमको बॉयंसी, बॉयंसी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, बॉयंसी प्रोवाइड कराता है। अब जब एयर ब्लेडर है नहीं तो भाई बॉयंसी यानी उसको डूबने से बचाएगा नहीं, है ना, तो अब ये डूब, अब इनको तो भाई बचना है तो ये डूबे ना, इसलिए ये लगातार क्या करती हैं, लगातार तैरती हैं, लगातार तैरती रहती हैं, है ना, एयर ब्लेडर, सॉरी हाँ, एयर ब्लेडर ना होने की वजह से ये लगातार तैरती रहती हैं, ड्यू टू अवॉइड सिंकिंग, मतलब कि वो डूबे ना, है ना, डूबने से बचने के लिए ये लगातार तैरती रहती हैं, कार्टिलेजनस फिशेस, ठीक है। इसमें जो होते हैं अपरकुलम नहीं होते हैं, स्किल स्लिट होते हैं बट अपरकुलम नहीं होता है, प्लेकॉइड स्किल होते हैं, टीथ जो होती है मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्किल के बनी होती है, बैकवर्डली डायरेक्टेड होती हैं, इनके जो जॉ होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, है ना, इसमें एयर ब्लेडर नहीं होता, तभी ये लगातार तैरती रहती हैं। इनके जो एग्जाम्पल दिए गए, हमको दो एग्जाम्पल दिए गए, स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन और प्रेस्टिस, है ना, स्कोलियोडॉन और प्रेस्टिस, जो इसके जो इसमें हैं स्कोलियोडॉन और प्रेस्टिस, और इसमें जो हार्ट होता है टू चैम्बर होता है हार्ट, मैंने आपको बताया था फिशेज में टू चैम्बर हार्ट होता है, थ्री चैम्बर एम्फीबियन और रेप्टाइल में होता है ना, रेप्टाइल का एक एक्सेप्शन है जो कि क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। जो हमारा हार्ट इज टू चैम्बर होता है, हार्ट टू चैम्बर होता है, वन ऑर्किल वन वेंटिकल, यानी एक ऑर्किल होगा और एक वेंटिकल होगा, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ये क्वेश्चन आता है और अच्छा खासा आता है, ठीक है। कुछ में जो होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, जिस इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसमें होते हैं उसका नाम है टारपीडो। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजिंग है, अभी अभी आगे आपको हम बताते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं टारपीडो बोलते हैं, एंड सम प्रोसेस पॉइजनिंग स्टिंग, पॉइजन स्टिंग जिसको बोलते हैं ट्राइगॉन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जिसमें पॉइजन स्टिंग होते हैं वो ट्राइगॉन होते हैं, है ना। अब इसके लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस में पाया जाता है, टॉर्पिडो में, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारी कैसे जाती है, तार से, तार जो होता है हमारा बत्ती का तार होता है ना, तार, तो हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन समझ लेंगे टॉर्पिडो से, टॉर्पिडो को हम पढ़ेंगे टॉर्पिडो, ठीक है ना, टॉर्पिडो हिंदी में उसको समझेंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होगी वो टॉर्पिडो पे होगी, और जो पॉइजनस स्टिंग होगा एक याद हो गया तुमको, दूसरा तो याद हो ही जाएगा भाई, अगर ऑप्शन में दिए तो हम इलिमिनेट कर देंगे, अगर हमको चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन हमको सही से पता है तो हम एक इलिमिनेट करके वो अगर वो सही होगा तो हम उसको सही कर देंगे, है ना। जो पॉइजनस स्टिंग होता है वो ट्राइगॉन होता है, दे आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं हमारे उनको हम पोक्लोथर्मस बोलते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं हमारे पोक्लोथर्मस बोलते हैं, जो वार्म ब्लडेड होते हैं उसको होम्योथर्म बोलते हैं और इंडोथर्म बोलते हैं, और जो आपको बताते हैं कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं, कोल्ड ब्लडेड को हम बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड को हम बोलते हैं पोक्लोथर्म,
पॉइक्लोथर्म बोलते हैं, पॉइक्लोथर्म बोलते हैं, और इक्टोथर्म बोलते हैं, इक्टोथर्म बोलते हैं, इक्टोथर्म बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड को हम होमियोथर्म बोलते हैं, और हम इंडोथर्म बोलते हैं, इनको इंडोथर्म भी बोलते हैं, है ना, इंडोथर्म बोलते हैं। तो हमारे जो होते हैं ये कार्टिलेजिनस फिसेस होती हैं, हमारी ये फिसेस हमारी पोक्लियोथर्म होती हैं। जो हमारे बर्ड्स और जो हमारे ह्यूमन होते हैं ये हमारे होमियोथर्म में आते हैं, यानी वार्म ब्लडेड में आते हैं, ठीक है। फिर हमारे होते हैं दे आर पोक्लियोथर्म यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी जो हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका मतलब होता है कि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये जैसा इनका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ये अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, बट इनका कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो होता है, जैसे हमारे ह्यूमन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, वो हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, वो मेंटेन रहता है। उसको मेंटेन करने के लिए सर्दियों में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो वूलन के कपड़े पहनते हैं, वार्म कपड़े पहनते हैं, इससे हमारा वो कि सो होता है। इनमें तो इनके जो पोक्लियोथर्म का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, यानी अपने बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, और होमियोथर्म का मतलब होता है जो कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है उनका 37 डिग्री, जैसे हमारे ह्यूमन में होता है वो उसको मेंटेन रखते हैं कैसे भी, मतलब ठंडियों में अपने हम गर्म कपड़े पहन के, और गर्मियों में हम जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम स्वेट आउट करके मतलब पसीना निकाल के अपने बॉडी का टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्सेस जो होते हैं इनमें सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होता है। इन मेल पेल्विक फिंस बियर क्लेस पर, इनमें मेल की पेल्विक में होता है वो एक फिंस होता है बियर क्लेस पर होते हैं, इसमें क्लेस पर होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम वीवीपैरस, मतलब इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और बहुत सारे इसमें जो होते हैं वो वीवीपैरस होते हैं। वीवीपैरस का मतलब वो बच्चे को जन्म देंगे, अंडे को जन्म नहीं देंगे। ओवीपैरस का मतलब होता है अंडे को जन्म देना, वीवीपैरस का मतलब होता है वो बच्चे को जन्म देंगे, है ना। इसमें जो मेल पेल्विक होता है उसके इसमें क्या होता है कार्टिलेजिनस फिसेस में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें जो मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएशन करिए तो क्या होगा, इसमें जो मेल में होगा उसमें क्लेस्पर पाए जाएंगे, क्लेस्पर पाया जाएगा। तो ये हमारा डिस्टिंक फीचर्स हैं मेल और फीमेल में, ठीक है। इसके जो एग्जांपल दिए गए हमको, एग्जांपल जो हमको दिए गए हैं इस्कोलोडियन को बोलते हैं डॉग फिश, और प्रेस्टिस को बोलते हैं सॉ फिश, है ना। सॉ मतलब आरी के तरीके उसकी नुकीली होती है, इस्कोलोडियन को डॉग फिश बोलते हैं क्योंकि ये ट्रू फिशेस नहीं है, ठीक है। और ये होते हैं कैरकेडॉन को ग्राइड वाइट शार्क बोलते हैं, ग्राइड वाइट शार्क बोलते हैं, है ना। और जो होता है ट्राइगॉन को स्टिंग डेथ बोलते हैं जो कि हमारी पॉइजनस स्टिंग बनाती है ना। तो हम इसका फिगर देख लेते हैं। ये हमारा जो है ये वाला है स्क्लोडियन को बोलते हैं स्क्लोडियन, और जो प्रेस्टिस हमारा सर्फिस बोलते हैं, जो हमारा स्क्लोडियन था उसको डॉगफिश बोलते हैं, प्रेस्टिस को हम सर्फिस बोलते हैं, मतलब आरी के आकार का उसका जो माउथ था। कैरोडॉन को हम बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं, है ना। और टाइगॉन को हम स्टिंग रेस बोलते हैं जो कि हमारा पॉइजनस स्टिंग बनाता है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लास ऑस्ट्रकोथाइस, है ना। ऑस्ट्रकोथाइस के बारे में हम देखते हैं, ऑस्ट्रकोथाइस का मतलब बोनी फिशेस, ये हमारी बोनी फिशेस होंगी। ये बोनी फिशेस के बारे में हम देखते हैं, जो इट इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर, जो हमारी बोनी फिशेस होती हैं इनमें हमारा मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों होता है। विद बोनी इंडोस्केलेटन, जो इनका इंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा। कार्टिलेजिनस फिशेस का जो इंडोस्केलेटन था वो हमारा कार्टिलेज का बना हुआ था। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब धारावाही टाइप की होती है, है ना, नुकीली टाइप की। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, इसमें जो है जो हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस थी उनमें जो माउथ था वो वेंट्रली था, बट इसमें जो माउथ है वो हमारा टर्मिनल है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ट्रिलोस्टर्मी, है ना। इसीलिए हम इनको बोलते हैं
टर्मिनल माउथ है इनमें, तो टीलो स्टर्मी बोलते हैं इनको, टीलो स्टर्मी, स्टोमी, टीलो स्टोमी, ठीक है, टीलो स्टोमी मतलब टर्मिनल, स्टोमी मतलब माउथ, ठीक है, टीलो स्टोमी बोलते हैं। दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स, जो इनमें फोर पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, विच कवर्ड बाई द अपर कुलम, जो कि गिल्स की कवरिंग होती है, फोर पेयर ऑफ गिल्स स्लिट गिल्स होते हैं जो कि अपर कुलम से कवर होते हैं दोनों तरफ, ईच साइड, ठीक है, अपर कुलम होता है गिल्स की कवरिंग को हम अपर कुलम बोलते हैं। स्किन इज कवर्डेड बाई साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स, जो इसकी स्किन होती है कवर्डेड विद स्किन इज कवर्डेड विद साइक्लॉइड और टीनकॉइड स्केल्स, है ना, टीनॉइड स्केल्स, इनकी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स। इसमें एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट, इसमें जो एयर ब्लेडर होंगे वो प्रेजेंट होंगे, बट हमारे जो कार्टिलेजिनस पिस में थे हमारे एयर ब्लेडर नहीं पाए जा रहे थे, इसीलिए वो कंटिन्यूअस तैर रही थी ताकि वो डूबे ना, डूबने के डर की वजह से वो तैर रही थी, एयर ब्लेडर नहीं था तो बायोन्सी को नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, तो इसमें हमारा बायोन्सी प्रोवाइड होगा, एयर ब्लेडर होगा, ये प्रोवाइड बायोन्सी, ठीक है, एयर ब्लेडर प्रेजेंट तो प्रोवाइड बायोन्सी। हार्ट इज टू चैम्बर, हार्ट जो होगा टू चैम्बर होगा, हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस का भी हार्ट टू चैम्बर था, क्योंकि ऑल फिशेस का हार्ट टू चैम्बर होता है, एक आर्टिकल होगा एक वेंटिकल होगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये फिशेस हमारी कोल्ड ब्लडेड होती हैं, क्योंकि वार्म ब्लडेड सिर्फ हमारा, वार्म ब्लड जो होते हैं हमारे वो होते हैं सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स हमारे वार्म ब्लड होते हैं, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। दे कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो गया। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस भी सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल होगा। इसमें फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल, इसमें ज़्यादातर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओवीपैरस, ये ज़्यादातर ओवीपैरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट, और इनका जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा। तो बोनी फिशेस के हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं। बोनो फिशेस में मराइन भी होती हैं और हमारी फ्रेश वाटर भी होती हैं, है ना। तो मैराइन में हमको क्या दिया गया है, मैराइन में जो हमारे एग्जोसीटस को हम बोलते हैं फ्लाइंग फिश। और हिप्पोकैम्पस का मतलब होता है सी हॉर्स, है ना, हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं हम सी हॉर्स और एग्जोसीटस को बोलते हैं फ्लाइंग फिश, है ना। ये हमारे जो मैराइन के एग्जाम्पल हैं, है ना, ये हमारे मराइन के एग्जाम्पल हैं। तो हम हिप्पोकैम्पस का फिगर भी देख लेते हैं, ये हमारा जो है ये हिप्पोकैम्पस है, ये मराइन का एग्जाम्पल है, मराइन फिश का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारा जो है ये कटला है, ये हमारी क्या है, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। तो हमारे फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल में क्या है, लेबियो को हम बोलते हैं रोहू, फ्रेश वाटर फिशेज में हमारी आती है लेबियो को बोलते हैं रोहू मछली, है ना, और कटला को बोलते हैं हम कटला बोलते हैं। और क्लेरियस को हम बोलते हैं मागुर, इसको मागुर बोलते हैं, मंगूर या मागुर, ठीक है, क्लेरियस को बोलते हैं मागुर। अब इसमें होता है फिर जो हमारी एक्वेरियम का मतलब होता है सजावट के रूप में, है ना, जो हम एक्वेरियम मतलब जिसमें वाटर भर के एक्वेरियम में लगाते हैं मछलियों को, है ना, उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं। तो उसके लिए जो होती हमारी मतलब मछली होती है एक्वेरियम को बोलते हैं बेटा को बोलते हैं फाइटिंग फिश, है ना। और जो होते हैं टेरोफाइलम को हम बोलते हैं एंजल फिश। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, जो मराइन थी हमारी मैराइन फिशेज में हमारी बोनी फिशेज में मराइन थी और फ्रेश वाटर थी। जो मराइन थी उनमें उनका एग्जांपल था एग्जोसीटस को हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं, यानी उड़ने वाली मछली। हिप्पोकैम्पस को हम सी हॉर्स बोलते हैं, दरिया मतलब समुद्री घोड़ा, है ना। और फ्रेश वाटर फिशेज में हम बोलते हैं लेबियो को बोलते हैं रोहू मछली जिसको बोलते हैं। कटला को हम कटला बोलते हैं, कटला का यहाँ CATLA वहाँ पे KATLA कटला इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और क्लेरियस को हम बोलते हैं मैगुर, है ना। और इसमें जो हमारी एक्वेरियम में आती है जो हम सजावट के रूप में रखते हैं उसमें जार में, तो बेटा को हम बोलते हैं फाइटिंग फिश, है ना। और जो टेरोफाइलम होता है इसको पी साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको टेरोफाइलम पढ़ते हैं,
टेरोफाइलम, पटेरोफाइलम नहीं टेरोफाइलम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंजल फिश, ठीक है, एंजल फिश। अब हमारा हो गया, अब हम आगे क्लास देखते हैं, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया में हम कौन कौन से रखे गए हैं हमारे, है ना, एम्फीबियन का मतलब होता है एम्फी मतलब डुअल, बायोस मतलब लाइफ, वो ऐसे मतलब ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी लाइफ दो जगह सर्वाइव करे, एक तो एम्फी मतलब वो लैंड में भी सर्वाइव करे, सॉरी लैंड में भी सर्वाइव करे और वो वाटर में भी सर्वाइव करे, है ना, यानी मराइन सॉरी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में दोनों जगह वो अपनी लाइफ सर्वाइव करे। तो क्लास एम्फीबिया एज द नेम इंडिकेट, जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करता है, ग्रीक वर्ड से हमारा लिया गया एम्फी, एम्फी का मतलब होता है डुअल, है ना, डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब दो लाइफ। एम्फी कैन लाइव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो एम्फीबियंस होते हैं वो एक्वाटिक में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है थल में यानी वो जमीन में, और एक्वाटिक का मतलब होता है वो पानी में, ठीक है, सिंपल है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्फ, इसमें बहुत सारों में से मतलब मोस्ट ऑफ देम ज़्यादातर में टू पेयर ऑफ लिम्फ, टू पेयर ऑफ लिम्फ का मतलब होता है वन पेयर यानी टू पेयर लिम्फ यानी फोर लिम्फ, ठीक है, फोर लिम्फ। बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, इनकी जो बॉडी होती है हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, ये हुआ हेड रीजन और ये हुआ इनका ट्रंक रीजन, ठीक है, पीछे का धड़ और ये हेड रीजन यानी सर, ठीक है, हेड एंड ट्रंक, इनकी जो बॉडी होती है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, किसी किसी में टेल प्रेजेंट होती है, जैसे हमारा सेलामेंडर होता है तो हमारा टेल्ड एम्फीबियन है ना, सेलामेंडा जो हमारा वो टेल्ड एम्फीबियन है, इसमें दिया है कि टेल अगर जिसमें प्रेजेंट है किसी किसी में प्रेजेंट होती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, जो एम्फीबियन की स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है ना, उसमें म्यूकस होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती हैं, जैसे हमारा फ्रॉग होता है उसकी जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है उनकी जो बॉडी है ना फ्रॉग की वो बहुत म्यूकस ही होती है, मतलब बहुत चिकनी होती है, उसको पकड़ो तो पड़ जाता है वो, ठीक है, बट उसमें क्या है स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, उसमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, बट उसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। द आई हैव आईलिड्स, मतलब आई में जो होती हैं उनकी आँखों में जो होती हैं आईलिड्स का मतलब जो होता है हमारा पलकें, आईलिड्स का मतलब होता है पलकें, ठीक है, हमारी पलकें पाई जाती हैं, आई में हमारी आईलिट्स पाई जाती हैं। ए टिम्पेनम, टिम्पेनम रिप्रेजेंटेड द ईयर, जो टिम्पेनम होता है इंटरनल ईयर होता है हमारा, यानी इसमें जो होते हैं फ्रॉग एम्फीबियंस में होते हैं हमारे फिश में होते हैं हमारे इंटरनल ईयर रिप्रेजेंट होता है ना, इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, जैसे हमारे एक्सटर्नल ईयर होता है ईयर पिन्ना होते हैं, है ना, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर में आते हैं, बट इसमें होता है टिम्पेनम होता है इंटरनल ईयर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, टिम्पेनम रिप्रेजेंटेड इंटरनल ईयर, रिप्रेजेंटेड ईयर। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इन टू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड कुलेका, अब आपको मैं बताता हूँ, इनमें जो होती है एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी, है ना, यानी यूरिन वाला जितना सिस्टम होगा, ठीक है, और जो इसका रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम होगा, ये तीनों एक चैम्बर में जाके खुलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोइका, है ना, क्लोइका, यानी तीनों एक चैम्बर में जाके खुलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोइका, ठीक है, विच ओपन टू एक्सटीरियर, जो कि बाहर खुलता है, है ना, क्लोइका जो होता है, ये सब तीनों एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम वाला और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये क्लोइका में खुलते हैं और जो क्लोइका है वो बाहर खुलता है, ठीक है। रिस्पायरेशन बाई गिल्स, जो हमारे एम्फीबियन होते हैं वो रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लंग्स के थ्रू कर सकते हैं एंड थ्रू स्किन। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें कि जो होता है फ्रॉग जो होता है वो कभी पानी नहीं पीता है, है ना, वो फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है, वो अपने स्किन से इसको एब्जॉर्ब करता है, पहली बात तो ये होगी, ये हम आपको बताएंगे फ्रॉग जब पढ़ाएंगे आपको तो बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक है। फ्रॉग जो होता है पानी नहीं पीता है, अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करता है। अगर फ्रॉग हमारा स्किन के अंदर है सॉरी अंडरग्राउंड है, अगर फ्रॉग हमारा अंडरग्राउंड है तो वो हमारा स्किन से मतलब क्यूटोनियस रिस्पायरेशन फ्रॉग में हमेशा चलता रहता है, क्यूटोनियस रिस्पायरेशन जो होता है हम परमानेंट चलता रहता है, परमानेंट चलता रहता है फ्रॉग में, है ना, वो स्किन से वो रिस्पायरेशन हमेशा करता रहता है, और वो हमारा जो होगा गिल्स से भी कर लेगा,
है ना, और लंग्स से भी कर लेगा। द हार्ट इज थ्री चैम्बर, जो एम्फीबियन का होता है हार्ट थ्री चैम्बर होता है, इसमें कि टू ऑर्किल, अब इसमें टू चैम्बर में था तो एक ऑर्किल था एक वेंट्रिकल था, बट जब थ्री चैम्बर है तो इसमें टू ऑर्किल होंगे, यानी टू ऑर्किल होंगे वन वेंट्रिकल्स होगा, है ना। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ये हमारे एम्फीबियंस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड तो ही होते हैं बड़ो मेमल, है ना। सेक्सेस आर सेपरेटेड, इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ये होते हैं बच्चों, सॉरी अंडे को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, है ना, एक प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसका जो एग्जांपल दिया गया हमको, बुफो को बोलते हैं टोड, और राना जो होता है हमारा फ्रॉग होता है, राना टिग्रिना, है ना, फ्रॉग बोलते हैं इसको। और जो हाइला को बोलते हैं हम ट्रिली रिजार्ड, जो हमने देखा होगा पेड़ों में पतले पतले से मतलब उसके जो डिजिट जो होते हैं पैर के डिजिट होते हैं उसमें वेब पाई जाती हैं, मतलब जाला टाइप का पाया जाता है, वो बहुत पतले पतले बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं ट्री में, उसको हाइला बोलते हैं, ट्री रिजार्ड। और सेलामेंडरा को बोलते हैं सेलामेंडर बोलते हैं, है ना, जो हमारा टेल्ड एम्फीबियन है। और जो हमारा इस्थियोफिस जो हमारा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इस्थियोफिस क्या है, लिमलेस इस्थियोफिस जो हमारा है, इस्थियोफिस जो हमारा लिमलेस एम्फीबियन है, जो सेलामेंडर हमारा वो टेल्ड एम्फीबियन है। सेलामेंडर क्या है हमारा, सेलामेंडर हमारा टेल्ड एम्फीबियन है, वो क्या है, टेल्ड एम्फीबियन है हमारा सेलामेंडर जो हमारा वो टेल्ड एम्फीबियन है, ठीक है। ये हमारा एम्फीबिया हो गया, ये हमारा सेलामेंडर, इसमें टेल्ड पाई जा रही है, तो ये हमारा सेलामेंडर जो हमारा ये टेल्ड एम्फीबियन है। और ये हमारा ये फ्रॉग का है ना, ये हमारा हेड हो गया, ये इसका ट्रंक रीजन हो गया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेप्टाइल के बारे में, क्लास रेप्टाइल के बारे में पढ़ते हैं, क्लास रेप्टाइल के बारे में देख लेते हैं हम लोग। द क्लास नेम रिफर, जो जिस एक इस क्लास का नाम रेप्टाइल है, तो ये रिफर टू देयर क्रीपिंग एंड कॉरलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। अब आपको बताते हैं हम, क्रीपिंग मतलब होता है रेंग के चलने वाले, है ना, जो क्रीपिंग का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले, है ना, क्रीपिंग रेंग कर चलने वाले, है ना, कॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, है ना, रेंग कर चलेंगे। लैटिन वर्ड जो हमारा है रेपर और रेपम, रेप्टम जो हमारा रेप्टाइल जो है, ये लैटिन वर्ड से रेपर से लिया गया है और रेप्टम से लिया गया, टू क्रॉल और कॉल मूवमेंट, है ना, क्रीप और कॉल मूवमेंट, यानी रेंग के चलेंगे, है ना। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये ज़्यादातर जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। एंड देयर बॉडी इज कवर्डेड बाई ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन, जो इनकी बॉडी होती है वो ड्राई होती है, बट जो हमारे जो एम्फीबियन थे उनकी बॉडी थी वो मॉइस्ट थी, स्किन थी वो विदाउट स्केल्स, उसमें स्केल्स नहीं थे, बट इसमें यह क्या है हमारा, इनकी जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, देयर बॉडी कवर्डेड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन्स। इपिडर्मल स्केल्स हो सकते हैं, और इपिडर्मल स्केल्स को हम बोलते हैं स्क्यूट्स, है ना, इपिडर्मल स्केल को हम बोलते हैं, ये हमको दिया गया इपिडर्मल स्केल को हम बोलते हैं स्क्यूट, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, जैसे हमारे हैं एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, है ना, ये ईयर पिन्ना इसमें नहीं होता है, है ना। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, इनमें जो टिम्पैनम होता है इंटरनल ईयर होता है, वही ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा जो था एम्फीबियन और रेप्टाइल दोनों में टिम्पैनम रिप्रेजेंटेड ईयर। लिम्ब व्हेन प्रेजेंट, अगर लिम्ब प्रेजेंट होंगे तो टू पेयर हो सकते हैं, यानी चार हो सकते हैं, है ना, टू पेयर यानी चार लिम्ब, ठीक है। हार्ट इज यूजली थ्री चैम्बर, ज़्यादातर हार्ट जो होता है हमारा रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर होता है, और हमारा एम्फीबियन में भी थ्री चैम्बर था, बट एक्सेप्शन आ गया भाई, ये याद कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बट फोर चैम्बर इन क्रोकोडाइल, जो हमारा फोर चैम्बर होता है वो क्रोकोडाइल में होता है। रेप्टाइल आर पोइग्लोथर्म, जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं वो पोइग्लोथर्म होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, रेप्टाइल्स हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और जो स्नेक और लिजार्ड होते हैं हमारा, स्नेक और लिजार्ड जो हमारे वो रेप्टाइल में आते हैं, तो सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, जो हमारे स्नेक और लिजार्ड होते हैं वो अपने स्किन कास्ट
स्किन कास्ट की चमड़ी को वो निकालते हैं। स्किन कास्ट का मतलब होता है केंचुल, है ना, केंचुल। स्किन कास्ट के रूप में वो अपनी चमड़ी को निकालते हैं, जिनकी चमड़ी जो ओल्ड हो जाती है, जैसे हम लोग देखें सांप की जो केंचुल होती है ना, वो स्किन कास्ट है उसकी, स्किन के जो है ये कवर टाइप का है, वो उसको अपना जब ओल्ड हो जाता है वो, तो उसको निकाल देती है, है ना, स्किन कास्ट हो गई। सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी इसमें जो होते हैं सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल फीमेल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यानी उसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, है ना। दे आर ओवीपैरस, ये ओवीपैरस होते हैं, यानी बच्चे को, सॉरी ओवीपैरस मतलब अंडे को जन्म देंगे। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और इसमें डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट होगा, इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं आ जाएगी, है ना। इसके जो एग्जांपल हो गए हैं चिलोन, चिलोन को बोलते हैं टर्टल, चिलोन को हम बोलते हैं टर्टल, चिलोन को बोलते हैं टर्टल, और टेस्टुडो को बोलते हैं टर्टॉइज, चिलोन को बोलते हैं टर्टल और टेस्टुडो को बोलते हैं टर्टॉइज, और कैमिलियन, कैमिलियन को बोलते हैं टिली रिजार्ड, कैमिलियन जो होता है हमारा टिली रिजार्ड होता है, मतलब जो हमारी पेड़ में छिपकली रहती है उसको हम बोलते हैं कैमिलियन को टिली रिजार्ड, और कैलोटस, 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 कैलोटस को बोलते हैं गार्डन लिजार्ड, जो हमारे गार्डन में लिजार्ड रहती है, गार्डन वाली छिपकली को बोलते हैं कैलोटस, और क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस को तो हम बोलते हैं क्रोकोडाइली बोलते हैं, क्रोकोडाइलस को हम क्रोकोडाइली बोलते हैं, और एलिगेटर को हम एलिगेटर ही बोलते हैं, एलिगेटर को हम बोलते हैं घड़ियाल, इसको हम शायद घड़ियाल ही बोलते हैं, हाँ हिंदी में घड़ियाल होता है इसका, घड़ियाल, एलिगेटर का मतलब होता है घड़ियाल, तो हम इसको एलिगेटर को एलिगेटर ही बोलते हैं। और हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस तो भैया इससे तो सभी परिचित हैं, हम लोग के घरों पे ही रहती है वॉल लिजार्ड, है ना, दीवारों में रहने वाली छिपकली हेमीडेक्टाइलस, है ना। और जो हमारे पॉइजनस स्नैक होते हैं, पॉइजनस स्नैक भी हमारे रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, जो हमारा नाजा होता है, नाजा को हम कोबरा बोलते हैं, है ना, पॉइजनस इंजेक्शन स्नैक भी हमारे रेप्टाइल ही हैं, तो इसको नाजा, नाजा को हम कोबरा बोलते हैं। और बैंगेरस, बैंगेरस को हम बोलते हैं करैत, बैंगेरस को क्या बोलते हैं हम, करैत बोलते हैं, और वाइपरा को बोलते हैं वाइपर, है ना। ये सब पॉइजनस स्नैक में आते हैं, पॉइजनस स्नैक में कौन कौन आ गया, नाजा आ गया, नाजा को हम कोबरा बोलते हैं, और बैंगेरस को हम करैत बोलते हैं, और वाइपरा को हम वाइपर बोलते हैं। तो इसका हम फिगर दिखा दें आपको, फिगर जो दिए गए हैं रेप्टाइल के फिगर दिए गए हैं, ये हमारा कैमिलियन, कैमिलियन का एग्जांपल दिया गया है हमारा, ये कैमिलियन का एग्जांपल दिया गया है, ये हमारा क्रोकोडाइल हो गया, ये हमारा चिलियन हो गया, और ये हमारा नाजा हो गया, भाई पॉइजनस स्नैक है ये, बच के रहियो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं, जो हमारी क्लास है इफ्स, इफ्स को हम बोलते हैं बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, इफ्स को हम बोलते हैं बर्ड, ठीक है। एवेरी, एवेरी जो होता है हमारा, यहाँ पे हमारी बर्ड को रखा जाता है, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इफ्स मतलब बर्ड आर प्रेजेंस ऑफ फीदर, मतलब जो बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई ये बर्ड है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा उसमें क्या होगा, कि उसमें जो होंगे फीदर्स पाए जाएंगे, फीदर का मतलब होता है पंख, इसमें जो होता है पंख पाए जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं भाई इफ्स है, बर्ड्स हैं, है ना। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ज़्यादातर बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ लेती हैं, है ना, जो ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं वो उड़ सकती हैं, वो उड़ सकती हैं, बट एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जो हमारी ऑस्ट्रिच, ये है हमारा ऑस्ट्रिच है जो हमारी, वो फ्लाइटलेस बर्ड है, क्योंकि इसका जो वेट होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उड़ नहीं पाती है। दे पॉसेस बीक, इसमें चोंच होती है ना, चोंच जो होती है ये हमारी वीक होती है चोंच, दे पॉसेस बीक। द फोर लिम आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स, जो इनके जो फोर लिम होते हैं, फोर लिम मतलब आगे वाले सॉरी इसके फोर लिम्स होते हैं, आगे वाले लिम्स होते हैं वो हमारे पंख में मॉडिफाइड हो जाते हैं। एंड हैंड लिम जनरली हैव स्केल्स, जो आगे वाले पंख हैं, फोर लिम्स हैं, वो पंख में मॉडिफाई हो गए हैं, और जो हैंड लिम्स हैं, हैंड लिम्स में हम देखते हैं जनरली स्केल्स होते हैं, देखेंगे उसमें खांच टाइप की बनी होंगी, जो कभी हम बर्ड्स को पकड़ेंगे तो उसके पैर में स्केल्स टाइप के हम देखते हैं, पपड़ी टाइप की, है ना, स्केल्स इसको बोलते हैं पपड़ी, ठीक है, पपड़ी टाइप की देखते हैं उसको। हैंड लिम्स जनरली स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, जो हमारे हैंड लिम्स होते हैं वो हमारे चलने में, मतलब बर्ड्स के चलने में हेल्प करते हैं, है ना, जो हैंड फोर लिम है तो वो पंख में बन गए, और हैंड लिम से हमारे वो वॉकिंग में हेल्प करते हैं, वो वॉकिंग में हेल्प करते हैं, अच्छे से बर्ड्स हमारी चलती हैं, दौड़ती भागती हैं,
ठीक है, चलने में, स्विमिंग में, मतलब तैरने में, जैसे हमारी बतख होगी, डक होगी, तो वो पैर से अपने बैक हैंड लिम्ब से वो अपने पानी को स्विप करती है। ठीक है, एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांच, और ट्री ब्रांच की मतलब पेड़ों की शाखाओं में चलने के लिए। स्किन इज ड्राई, स्किन तो बर्ड्स की ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड, उसमें कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, बट एक्सेप्ट, यहाँ पे भी एक्सेप्शन आया भाई, स्किन तो ड्राई होती है बट एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जो होती है कहाँ पे पाई जाती है, एट द बेस ऑफ टेल। स्किन जो होती है बर्ड्स की ड्राई होती है बट उसमें एक ग्लैंड पाई जाती है जो ऑयल ग्लैंड होती है, जो कि बेस ऑफ टेल पे पाई जाती है। ठीक है, इंडो स्केलेटन इज फुली ऑक्सीफाइड, इंडो स्केलेटन जो होता है हमारा फुली ऑक्सीफाइड होता है, जो हमारी बर्ड्स होती हैं उनका इंडो स्केलेटन होता है फुली ऑक्सीफाइड होता है, यानी फुली बोनी होता है, बोन से मिलकर बना होता है। एंड लॉन्ग बोन्स, जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं तो हॉलो होती हैं, विच कैविटी, जो लंबी जो इनका जो इंडो स्केलेटन होता है वो फुली बोनी होता है, मतलब उनमें पूरा बोन से बना होगा, पूरी बोनी होगा, और जो लॉन्ग बोन होगी वो हॉलो होंगी, मतलब अंदर खोखली होंगी, एयर कैविटी होगी, यानी न्यूमैटिक, न्यूमो मतलब नीमो का मतलब आ गया कहीं पे, न्यूमो, नीमो अगर आ गया तो हम उसको एयर समझते हैं, नीमो मतलब एयर, ठीक है, नीमो मतलब एयर, ठीक है, यानी इनका इंडो स्केलेटन होगा वो बोनी होगा, और लॉन्ग बोन होंगी वो हमारी हॉलो होंगी, है ना, उनमें एयर कैविटी होगी जिसको हम न्यूमैटिक बोलते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, डाइजेस्टिव ट्रैक में एक बर्ड के पास एडिशनल चैम्बर होता है, मतलब एडिशनल मतलब एक ज़्यादा, है ना, ज़्यादा चैम्बर होता है। द क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप और गिजार्ड, क्रॉप जिसके डाइजेस्टिव ट्रैक में क्रॉप और गिजार्ड पाया जाता है, जो क्रॉप का काम होता है हमारा, क्रॉप का काम होता है वो फूड को इकट्ठा करता है, फूड इकट्ठा करता है, फूड इकट्ठा करता है, फूड इकट्ठा करता है, फूड कलेक्ट करता है, ये क्रॉप का काम हो गया। और जो गिजार्ड का काम हो गया हमारा, गिजार्ड का काम हो गया, गिजार्ड का काम हो गया वो ग्राइंड करता है, ग्राइंडिंग, वो फूड को ग्राइंडिंग करता है, फूड पार्टिकल को वो पीसता है, है ना, ये एडिशनल चैम्बर होते हैं इसमें। हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर, इसमें जो हार्ट होते हैं वो मतलब जो दिल के चैम्बर्स होते हैं वो चार होते हैं, है ना, दिल के चैम्बर चार होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, यानी ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मैंने आपको बताया था वार्म ब्लडेड बर्ड और मैमल्स होते हैं, ठीक है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं जिसको हम होम्योथर्म बोलते हैं और इंडोथर्म बोलते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मेंटेन रखती हैं, है ना, तभी हमने देखा होगा ठंडियों में जो हमारी जो बर्ड्स होती हैं वो अपने पंख को फुला के बैठती हैं, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होते हैं, कभी देखो पंख के ऐसे रोंगटे खड़े होंगे, फीदर्स जो होंगे उनके ऐसे फूले फूले देखेंगे, तो वो ऐसे करते हैं, सीवरिंग करते हैं, तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट बनाए रखने के लिए, ठीक है, ऐसा करते हैं। रिस्पायरेशन इज बाई, इसमें रिस्पायरेशन होता है बाई लंग्स, इसमें रिस्पायरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, इस रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है। एयर सेफ, एयर सैक जो होते हैं कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंटरी रिस्पायरेशन जो हमारे होते हैं, इसमें जो रिस्पायरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, बट जो एयर सैक होते हैं वो एयर सैक, एक एयर मतलब हवा, सैक मतलब थैलियाँ, ठीक है, एयर सैक हवा की थैलियाँ जो होती हैं लंग्स से कनेक्ट होती हैं, एज सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब सहायक होता है, सहायक, सप्लीमेंट रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में एक सहायक, सप्लीमेंट सहायक बनने के लिए एयर सैक्स उसको कनेक्टेड रहती हैं लंग्स से, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी एयर सैक जो हमारी कनेक्ट रहती हैं लंग्स से एज ए सप्लीमेंट, मतलब वो रिस्पायरेशन में सहायता करने के लिए, सेक्सेस जो होते हैं में सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल को बता सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। दे आर ओवीपैरस, ये जो होते हैं बच्चे देते हैं, सॉरी ओवीपैरस, ओवीपैरस मतलब अंडे देना, एग, ओवीपैरस मतलब एग, ओवीपैरस मतलब ये एग देंगे, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं होती है, लार्वा स्टेज जहाँ पे लार्वा स्टेज होगी वहाँ पे डेवलपमेंट जो होगा वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये होती हैं ओवीपैरस होती हैं, मतलब ये अंडे देती हैं, और डेवलपमेंट जो होता है इनका डायरेक्ट होता है। अब इनको सब कुछ बर्ड्स के हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम देख लेते हैं कुछ बर्ड्स के हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं।
तो ये हाँ सम बर्ड्स नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को वल्चर बोलते हैं, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध होता है हमारा, है ना, और जो हमारा वल्चर मतलब होता है गिद्ध होता है, और स्टिचो मतलब ये हमारा ऑस्ट्रिच का एग्जांपल है, ये हमारा ऑस्ट्रिच है, ये हमारा गिद्ध है, और जो हमारा सेटेकुला, सेटेकुला को हम बोलते हैं पैरट, पैरट, और पीकॉक, पावो, पावो को बोलते हैं पीकॉक, पीकॉक यानी मोर, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल क्रो, कॉर्वस, कॉर्वस को तो बोलते हैं क्रो बोलते हैं, है ना, और कोलम्बा को बोलते हैं पीजन बोलते हैं, कोलम्बा को बोलते हैं पीजन, और जो हमारा होता है सेटेकुला, सेटेकुला को बोलते हैं पैरट, सेटेकुला को बोलते हैं पैरट, और स्ट्रिथो बोलते हैं, स्ट्रिथियो को बोलते हैं ऑस्ट्रिच, है ना, ये होती है फ्लाइटलेस बर्ड होती है हमारी ऑस्ट्रिच, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, और जो पावो को बोलते हैं पिकॉक, जो हमारी पेवो होगी वो पिकॉक होगी, और अपेंडाइट्स, अपेंडाइट्स को बोलते हैं पेगुइन, पेगुइन जो हमारे तालाबों में कभी कभी हम देखते हैं, है ना, पेगुइन, और नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को बोलते हैं वल्चर, वल्चर मतलब गिद्ध, जो कि फिलहाल अभी नहीं दिखते हम लोग को, पहले बहुत थे, अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। जो हम अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास मैमिलिया के बारे में, क्लास मैमिलिया में देखते हैं, दे आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटाट, जो हमारा क्लास मैमिलिया है ये हमारे वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट में पाए जाते हैं, जैसे पोलर आइस कैप, जो हमारे पोलर रीजन में आइस होते हैं वहाँ की, उसी कैप्स मतलब वहाँ पे खाँचों में, है ना, कैप्स मतलब टोपी के रूप में स्ट्रक्चर, गुफा टाइप की, उसमें पाए जाते हैं, डिजर्ट में पाए जाते हैं, डिजर्ट यानी यहाँ पे रेगिस्तान होता है हमारा, और माउंटेन यानी हमारे पर्वत में, है ना, पहाड़ों पे, फॉरेस्ट मतलब जंगल पे, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान पे, है ना, और डार्क केव मतलब अंधेरी गुफाओं में, केव का मतलब होता है गुफा, इसमें केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब होता है गुफा, डार्क केव मतलब अंधेरी गुफाओं में, है ना। सम ऑफ देम हैव एडाप्टेड टू फ्लाई, इसमें तो कुछ होते हैं अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं उड़ने में लिए, और कुछ होते हैं लाइव इन वाटर, और जो कुछ जो होते हैं पानी के अंदर रहते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जो मैमिलिया का मेन यूनिक कैरेक्टर्स है, यूनिक कैरेक्टर है जिससे मैमिलिया बताती है कि मैमल थे, तो इसमें जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है मेमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो होती है मेमरी ग्लैंड हमारी पाई जाती हैं, ये मैमिलिया का यूनिक कैरेक्टर है ना। प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम भी हमारा जो है ये भी कैरेक्टर्स हैं, बट हमारा जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है ये मेमोरी ग्लैंड ये यूनिक है, ठीक है। बाई विच ऑफ द यंग वंस आर नरिश्ड, जो हमारी मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड हैं उससे हमारे जो फीमेल्स हमारी यंग वंस को जन्म देती है तो उसको वो नरिश कराती है, उसको वो नरिश कराती है। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, इसमें टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, टू पेयर लिम्स यानी यानी चार, है ना, टू पेयर लिम्स एडाप्ट फॉर वॉकिंग, जो लिम्स जो होंगे वो अडाप्ट होंगे वॉकिंग पे, मतलब वो चलने पे अडाप्ट हो जाएंगे, है ना, रनिंग दौड़ने पे, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने पे, बोरिंग मतलब गुफाओं में घुसने के लिए, गुफाओं में छेद छेद करने के लिए, और स्विमिंग मतलब तैरने के लिए, फ्लाइट मतलब उड़ने के लिए, ये सब जो लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए। द स्किन ऑफ, स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक, जो स्किन होती है मैमल्स की वो भी यूनिक होती है, वो मैमल्स की स्किन जो होती है यूनिक होती है, वो किस में यूनिक होती है, प्रोसेसिंग हेयर, क्योंकि जो मैमल्स की स्किन में होती हैं हेयर्स पाए जाते हैं, है ना, इसलिए वो यूनिक होती है, जो मैमल्स की स्किन होती है उसमें हेयर्स होते हैं इसलिए वो यूनिक होती है। एक्सटर्नल ईयर और पिन्नाएँ, जो एक्सटर्नल ईयर जो हम आपको बता रहे थे ये हमारे एक्सटर्नल ईयर होते हैं, इनको हम ईयर पिन्ना बोलते हैं, है ना, आर प्रेजेंट, ये हमारे ये मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, जो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट कंडीशन, हेट्रोडॉन्ट कंडीशन, हेट्रोडॉन्ट कंडीशन, ये हम आपको बताएंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से, हेट्रोडॉन्ट कंडीशन होते हैं। हार्ट इज फोर्थ चैम्बर, हार्ट जो होता है हमारा फोर्थ चैम्बर होता है, इसमें हार्ट जो होता है हमारा फोर्थ चैम्बर होता है। दे आर होम्योथर्म, मतलब ये कोल्ड सॉरी वार्म ब्लडेड होते हैं यानी इंडोथर्म होते हैं, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बनाए रखते हैं, ठीक है। रेस्पायरेशन बाई लंग्स, इसमें जो रेस्पायरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, मतलब हमारे जो होते हैं लंग्स होते हैं वो फेफड़े होते हैं हमारे रेस्पायरेशन में मदद करते हैं, यानी रेस्पायरेटरी सिस्टम हमारा जो होता है लंग्स मेन होता है, उसी में हमारी उसी के थ्रू हमारा रेस्पायरेशन होता है।
ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेटेड, इसमें सेक्सेस सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, इसमें मेल फीमेल अलग अलग पता चलता है भाई ये लड़का है ये लड़की है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। और दे आर विवीपेरस, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसे एक्सेप्शन भी है, ये दे आर विवीपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस, इनमें जो होता है ये विवीपेरस होते हैं बट कुछ एक्सेप्शन है वो हम आगे देखेंगे, और इसमें जो होते हैं डेवलपमेंट जो होता है हमारा डायरेक्ट होता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हमको दिया गया है, एग्जाम्पल हम ओवीपेरस के एग्जाम्पल दिए गए हमको, वैसे तो इसमें विवीपेरस होते हैं बस एक्सेप्शन है, ओवीपेरस, ओवीपेरस का एग्जाम्पल क्या है हमारा ऑर्निथोरिनकस, ऑर्निथोरिनकस जो होता है जिसको हम प्लेटीपस बोलते हैं, ऑर्निथोरिनकस जो होता है प्लेटीपस होता है हमारा, ये हमारा ओवीपेरस है यानी ये बच्चा देता है, सॉरी अंडा देता है, ओवीपेरस जो होता है हमारा, सॉरी ओवीपेरस जो होता है हमारा, ओवीपेरस जो होता है हमारा ये अंडा देता है, अंडा देता है, और जो विवीपेरस होता है हमारा, विवीपेरस जो होता है वो हमारा बच्चा देता है, ठीक है, बच्चा देता है, सीधा सा मतलब ये है। जो ओवीपेरस है ऑर्निथोरिनकस जिसको हम प्लेटीपस बोलते हैं ये हमारा ओवीपेरस होता है, और जो हमारा विवीपेरस के एग्जांपल है मैक्रोपस, मैक्रोपस को बोलते हैं कंगारू, है ना, मैक्रोपस को बोलते हैं कंगारू, टेरोपस को बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, ये टेरोपस होता है फ्लाइंग फॉक्स होता है, कैमलस को बोलते हैं कैमिल, कैमलस को बोलते हैं कैमिल, मकाका को बोलते हैं मंकी, मकाका से पता चल रहा है मंकी, और रेटस, रेटस 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 मतलब चूहे का नाम है, ठीक है, कैनिस मतलब होता है हमारा डॉग, फेलिस होता है हमारा कैट, और एलिफस होता है मतलब एलिफेंट, और इक्कोस मतलब होता है जो इक्कोस वर्ड लेते हैं हम हॉर्स से रिलेट करते हैं, और डॉल्फिनस होता है हमारा कॉमन डॉल्फिन, है ना, और बेलेनोप्टेरा को होता है ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल बोलते हैं हम, ये हमारा बेलेनोप्टेरा है, है ना, और जो पैंथेरा टाइग्रिस होता है, पैंथेरा टाइग्रिस का मतलब टाइगर होता है, पैंथेरा लियो का मतलब होता है लायन, पैंथेरा लायन, ठीक है, लायन होते हैं। तो इसको हमको कुछ मेमल्स के फिगर्स दिए गए हैं हमको, सब मेमल्स जो हमारा ये ऑर्निथोरिनकस जिसको हम प्लेटीपस बोलते हैं, प्लेटीपस बोलते हैं, ये हमारा ओवीपेरस होता है, ओवीपेरस होता है, और ये हमारा जो है मैक्रोपस जिसको हम कंगारू बोलते हैं, है ना, और टेरोपस जो होता है हमारा चमगादड़ बोलते हैं जिसको हम, और डी हमारा बेलेनोप्टेरा जो हमारा ब्लू व्हेल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, ये हमने देख लिया, सारे एग्जांपल भी देख लिए हैं। अब हमको साइलेंट फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला इन एनिमल किंगडम, अब हमको साइलेंट फीचर डिफरेंट फाइला मतलब अलग अलग फाइलम के साइलेंट फीचर दिए गए हैं एनिमल किंगडम में, अगर हम ये टेबल भी अच्छे से याद कर लेंगे तो हमको चैप्टर पढ़ने में बहुत ईजी आसानी होगी, उसके हम सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। हमको ये दिया गया है साइलेंट फीचर, यहाँ पे हमको दिया गया है फाइलम के बारे में बताया गया है, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, यहाँ पे हमारा सिमेट्री वाले बताया गया है, यहाँ पे सीरोम बताया गया है, यहाँ पे सेगमेंटेशन बताया गया है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यहाँ पे डिस्टिंक्ट फीचर, उसका डिस्टिंक्ट फीचर क्या है इस फाइलम का, ठीक है। तो हमारा पोरीफेरा जो होता है, पोरी ये फाइलम हमारा पोरीफेरा है, इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिवीजन ऑफ एक्टिविटी पाई जाती है हमारी, इसमें सिमेट्री होती है, वेरियस होती है, वेरियस का मतलब इसमें एक्सेप्शन है क्योंकि इस सभी तो एसिमेट्री बोलते हैं, तो उसमें स्पंज एसिमेट्री होते हैं बट उसमें स्पंज होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, बट हमारे जो स्काइफा और लिकोसोलिनिया जो था हमारा वो हमारा रेडियल सिमेट्री था, रेडियल सिमेट्री था, ठीक है, इसीलिए इसमें वेरियस सिमेट्री दिया गया है, ठीक है। और जो इसमें सीलोम थी, सीलोम अब्सेंट थी, है ना, ए सीलोमेट एनिमल बोलते थे पोरीफेरा को, और सेगमेंटेशन भी हमारा जो था अब्सेंट था इसमें, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी था वो भी अब्सेंट था, सर्कुलेटरी सिस्टम भी अब्सेंट था, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अब्सेंट था, और इसमें जो डिस्टिंक्टिव फीचर थे, है ना, जिनमें बॉडी विथ पोर्स, तभी इसको हम पोरीफेरा बोलते थे ना, बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल इन्वॉल्व, है ना, इनकी बॉडी में पोर्स थी और स्पंजो सेल्स पाई जा रही थी, तो इसलिए डिस्टिंक्ट फीचर थे हमारे। अब ये हमारा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को निडरिया बोलते थे, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो टिशू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, और इसमें जो सिमेट्री थी वो भी रेडियल सिमेट्री थी, है ना, रेडियल सिमेट्री का मतलब वो था हमारा कि हम किसी भी प्लेन से करें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, ठीक है। सिलोम जो था इसमें अब्सेंट थी, सेगमेंटेशन भी इसमें अब्सेंट था, और इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम था इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो था हमारा अब्सेंट था सिलेंट्रेटा में,
है ना, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट था, बट इसमें जो इसके डेस्टिनेटिव फीचर थे, डेस्टिनेटिव फीचर जो थे साइलेंट डेटा में, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट थी, नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट थी हमारी, ठीक है, जो कि इनकरेज वगैरह में हेल्प कर रही थी, डिफेंस वगैरह में हेल्प कर रही थी। और आफ्टर डेट हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं टीनोफोरा, टीनोफोरा में हमारा, टीनोफोरा में क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा वो टिश्यू लेवल था, क्योंकि हमारा साइलेंट डेटा का भाई है, है ना, इसमें भी रेडियल सिमेट्री थी, इसमें भी जो हमारा था क्या था हमारा, ये सीलोम थी एब्सेंट थी, सीलोम थी हमारी जो एब्सेंट थी, टीनोफोरा में सीलोम एब्सेंट थी, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट था, इसमें जो था डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट था, जो इसका जो डिस्टिंक्ट फीचर था हमारा कॉम्ब प्लेट और फॉर लोकोमोशन, जो एट कॉम्ब सिलेटेड प्लेट पाई जा रही थी, लोकोमोशन में हेल्प कर रही थी, वो इसका डिस्टिंक्ट फीचर था। अब हम जो देखेंगे प्लेटल एलिमेंथीज के बारे में, प्लेटल एलिमेंथीज जो हमारी थी, प्लेटल एलिमेंथीज में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा ऑर्गन लेवल, सॉरी ऑर्गन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, इसमें जो सिमेट्री थी बायलेटरल सिमेट्री थी, और जो इसमें जो थी सीलोम थी वो एब्सेंट थी, सीलोम नहीं पाई जा रही थी, एंड जो सिगमेंटेशन था वो भी एब्सेंट था, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, है ना, सिंगल ओपनिंग थी अकेले, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट था, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट था। इसका जो डिस्टिंक फीचर था फ्लैट एलिमेंथीज को हम क्या बोलते थे, फ्लैट बॉडी बोलते थे, फ्लैट बम बोलते थे, और इसमें सकर पाए जा रहे थे, ये हमारी इंडो पैरासाइट थी, है ना, टीलिया सोलियम जो हमारा था, है ना, लीवर फेस्कोला था हमारा, फेस्कोला को लीवर फ्लूक बोल दे रहे थे, ये हमारे इंडो पैरासाइट थे, इसलिए सकर पाए जा रहे थे इसमें, ठीक है। एस्के एलिमेंथीज जो हमारा था इसको हम राउंड वर्म बोल रहे थे, है ना, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा था वो स्टार्ट हुआ था हमारा एस्के एलिमेंथीज से, ठीक है। और उसके बाद जो था हमारा इसमें सिमेट्री थी बायलेटरल सिमेट्री थी, है ना, बायलेटरल सिमेट्री थी, बायलेटरल सिमेट्री हमारी जो हमारी थी वो प्लेट एलिमेंथीज से स्टार्ट हो गई थी। और जो इसमें सिलोम था जो हमारा प्लेट एलिमेंथीज था वो हमारा एक एब्सेंट था, इसमें सिलोम एब्सेंट था, ए सिलोमेट था, बट हमारा जो था एस्के एलिमेंथीज था वो सीडो सिलोमेट था, ठीक है। और इसमें जो एस्के एलिमेंथीज का सेगमेंटेशन नहीं था, और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम जो था कम्प्लीट था, डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंप्लीट था हमारा एस्के एलिमेंथीज में, और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा एस्के एलिमेंथीज में नहीं पाया जा रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जा रहा था, एब्सेंट था। और इसमें जो इसका जो डिस्टिंक्ट फीचर था ऑप्टन वर्म शेप्ड इलोंगेटेड इलोंगेटेड बॉडी थी, वर्म थी इलोंगेटेड मतलब वो राउंड वर्म, है ना, राउंड वर्म थी, ठीक है। जो तो एनेलिडा, एनेलिडा जो थी हमारे, एनेलिडा में जो था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा था, बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही थी, है ना, सीलोमेट एनिमल थे, है ना, इसमें ट्रू सीलोम पाई जा रही थी, और इसमें जो था हमारा सेगमेंटेशन प्रेजेंट था, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट था, सेगमेंटेशन में आर्थ्रोपोडा एनिलिडा और वर्टिब्रेटा में सेगमेंटेशन पाया जा रहा था, है ना, सेगमेंटेशन जो था प्रेजेंट था। और इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट था, माउथ और एनस सेपरेट ओपनिंग थी, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट था, वो भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा क्लोज टाइप पाया गया वो एनेलिडा में पाया गया, उसके बाद हमारा एकॉर्डेटा में पाया गया, है ना, जो और उसके बाद हमारा जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था एब्सेंट था, एनेलिडा में नहीं पाया जा रहा था। इसकी जो डिस्टिंक्ट फीचर थे हमारी बॉडी सेगमेंटेड थी, है ना, बॉडी सेगमेंटेशन पाया जा रहा था लाइक रिंग, है ना, जिसको हम एनुअल्स बोल रहे थे, लिटिल एनुअल्स, है ना, एनुलस। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है हमारा इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सीलोमेट एनिमल होते हैं, मतलब इसमें सीलोम पाई जाती है, ट्रू सीलोम पाई जाती है, इसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है आर्थ्रोपोडा और हमारे एनिलिडा और हमारे वर्टिब्रेटा में सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम था आर्थ्रोपोडा में कंप्लीट था, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा था, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा था, बट कैसा था, ओपन टाइप का था, ओपन टाइप का था, ठीक है। और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट था, बुक गिल्स, बुक लंग्स, है ना, टेकेल सिस्टम वगैरह सब थे इसमें आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट में, है ना। और इसमें जो इसका डिस्टिंक्ट फीचर था इग्जोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, जो इनका इग्जोस्केलेटन था बाहरी कवर था वो क्यूटिकल का बना हुआ था, तभी वो एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, वो उसको कोई डिग्रेड नहीं कर पा रहा था उनके कैटिन को, इग्जोस्केलेटन की वजह से वो उसके प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन अच्छा था, इस वजह से वो ज़्यादा संख्या में थे, अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे थे हर इन्वायरमेंट में, ठीक है। जॉइंट अपेंडिजेज, और इसमें जॉइंट अपेंडिजेज थे, मतलब आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है जॉइंट अपेंडिजेज, ठीक है,
जो हमारे फिर होते हैं मोलस्का, मोलस्का जो होता है हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम था, इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बायलैटरल सिमेट्री थी, सीलोमेट एनिमल थे, इसमें जो था हमारा सेगमेंटेशन मोलस्का में नहीं पाया जा रहा था, यानी अनसेगमेंटेड बॉडी थी इनकी, ठीक है। और जो हमारा था डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कम्प्लीट था, और जो हमारा था क्या सर्कुलेटरी सिस्टम जो था हमारा वो प्रेजेंट था, सर्कुलेटरी सिस्टम जो था हमारा वो प्रेजेंट था, और जो हमारा था रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट था, और इसमें जो इसका एक्सटर्नल बॉडी फीचर था वो हमारा था एक्सटर्नल स्केलेटन और सेल यूजली प्रेजेंट, यानी जो कैल्सेरियस की सेल पाई जा रही थी, है ना, वो था इसमें जो हमारा था। फिर उसके बाद इकाइनोडर्मेटा आया हमारा, इकाइनोडर्मेटा में क्या था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, रेडियल सिमेट्री था। इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री जो था वो एडल्ट शो कर रहा था, और जो लार्वा था वो बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा था। और ये सिलोमेट एनिमल थे, और इसमें सेगमेंटेशन जो था वो नहीं पाया जा रहा था। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में जो था हमारा वो क्या था भाई, कंप्लीट था। हमने आपको बताया था ना डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा का, वो हमारा कंप्लीट था, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा का कंप्लीट था। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो था वो नहीं पाया जा रहा था, इकाइनोडर्मेटा में पाया जा रहा था, और जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा पाया जा रहा था। और इसमें जो डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या था, इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जा रहा था, और रेडियल सिमेट्री पाई जा रही थी एडल्ट में, और बायलैटरल सिमेट्री पाई जा रही थी लार्वा में, ठीक है। और जो हमारा आया हेमी मतलब आधा कॉर्डेटा, जिसको हम पहले सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा बोलते थे, बट उसको सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेट्स में रखे हैं उसको, हेमी कॉर्डेटा को, ठीक है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट एनिमल होते हैं, है ना। और इसमें सेगमेंटेशन जो होता है वो हमारा अब्सेंट होता है, और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा वो कंप्लीट सिस्टम होता है, है ना। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी प्रेजेंट होता है हमारा, और जो हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी प्रेजेंट होता है। और ये जो इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, वार्म लाइक विथ प्रोबोसिस कॉलर एंड टंग जो होती है वो पाई जाती है। प्रोबोसिस जो ग्लैंड होती है हमारी वो किस में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। तो प्रोबोसिस होती है हमारी एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है, है ना। वार्म लाइक एनिमल्स होते हैं, इसमें प्रोबोसिस होते हैं, कॉलर एंड ट्रंक रीजन होते हैं। इसमें जो कॉर्डेट होते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, सिलोमेट होते हैं, इनमें जो होता है सेगमेंटेशन पाया जाता है, सिलोमेट एनिमल होते हैं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। किस टाइप का होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम वन ऑर्गन, ठीक है। एक ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन हो, एक ऑर्गन बार बार रिपीट हो गया, जैसे हमारा वर्टिब्रेट कॉलम है, ठीक है। ये हमारा ये सेगमेंटेशन में काउंट होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन में, ठीक है। सेगमेंटेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है, माउथ और एनस ओपनिंग हमारे होती हैं, है ना। और जो होते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकायदे अच्छा खासा होता है, वेन होते हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लंग्स के द्वारा हम सांस लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारे प्रेजेंट होते हैं, हर चीज़ प्रेजेंट होती है। मोस्ट एडवांस हम लोग भाई, ठीक है, कॉर्डेट्स में हम लोग हैं, मैमल्स में बहुत मोस्ट एडवांस, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं इसका जो डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या हैं। इसमें नोटोकार्ड पाई जाएगी, जो कि डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड होती है, है ना। और इसमें गिल स्लिट होते हैं, लिम्फ और फिन्स होते हैं, तो फिलहाल अपना चैप्टर तो फिलहाल ख़त्म हो गया। तो एनिमल किंगडम हमारा जो चैप्टर था वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, और जो मैंने आपको बताया है सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। सो आई होप इफ़ यू लाइक माय सेशन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विथ फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आई जॉइन माई सोशल मीडिया हैंडल, सो प्लीज़ आई प्रोवाइड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अबाउट सेक्शन ऑफ माई चैनल, तो प्लीज़ गो थ्रू एंड जॉइन विथ अस एंड शेयर कर दो भाई, ठीक है।
तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में और एक अपकमिंग न्यू चैप्टर के साथ में। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।